सो गाइज, अगर आप लोग ऐसे चुटकियों में फेस को बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने दोस्त से कहने जाते होंगे भाई फेस मेरा स्मूथ कर दो, यार बहुत ज्यादा घमंड दिखाता है ना, बहुत ज्यादा भाव मारता होगा। लेकिन आर्टिस्ट भाई ऐसा आप लोग को चुटकियों में फेस स्मूथ का राज बताने वाला है, जो हर यूट्यूबर ना बताने से पहले सोचेंगे कि यार भाई अपना पर्सनल राज बता दे कि नहीं बताए। लेकिन आर्टिस्ट भाई अपना पर्सनल राज बताने वाला है कि हम अपने फेस को कैसे पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ, साथ ही साथ कैसे हम गोरा करते हैं एंड फुल एचडी में हाई क्वालिटी में कैसे एडिट करते हैं। तो जिस जिस भाई को सीखना होगा ना, सिर्फ वही आप लोग वीडियो देखिएगा मेरी, नहीं तो अभी से आप लोग वीडियो को छोड़कर के चले जाइए। तो वीडियो लाइन पर लाइक चले जाने बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आर्टिक्स भाई आप लोग से बात कहना चाहता है, चलिए मैं काम की बातें करता हूँ, ज्यादा वीडियो में आप लोग का टाइम नहीं लूंगा। जब भी आप लोग दूसरे से फेस स्मूथ करवाने जाते होंगे तो वो बहुत ज्यादा घमंड दिखाता होगा, यानी बहुत ज्यादा भाव मारता होगा कि जाओ मैं फेस स्मूथ नहीं करूंगा। लेकिन आज से आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, आर्टिक्स भाई बिल्कुल अपने जैसा फेस स्मूथ सिखाने वाला है। बस शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोग स्किप नहीं करना वीडियो। तो वीडियो को लाइक नहीं फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बिल्कुल नया तरीका है 2023 का, सबसे बेस्ट पावरफुल फेस फोटो एडिटिंग ये वीडियो है, तो वीडियो को आप लोगों को मिस नहीं करना है। तो चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले ओरिजिनल फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड जो आर्टिक्स भाई जानकारी देने वाला है यूट्यूब पे कोई बताया नहीं होगा 100%। सो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड यहां पे आप लोग को स्केच मिल जाएगा एंड ब्लर मिल जाएगा, ठीक है ना जी। एंड यहां पे आर्टिस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे आप लोग को आ जाना होगा। सो दोस्तों, जैसे आप लोग आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का फेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है, सिर्फ आप लोग को वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। ओके, सो दोस्तों, जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भाई फुल एचडी में सिखाने वाला है, ठीक है जान। तो वीडियो कहीं पे भी आप लोग को मिस नहीं करना है। एंड सेकेंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो आप लोग का कुछ इस तरीके से फेस हो जाएगा। तो मैं पहले सबसे पहला यूज किया एंड उसके बाद सेकेंड यूज किया। सो दोस्तों, सेकेंड वाले ऑप्शन पे आने बाद सिंपली आप लोग इसको कुछ इस तरीके से आप लोग को जीरो कर देना होगा। एंड जीरो करने बाद सिंपली आप लोग, अगर फोटो आप लोग का ज़्यादा ब्लैक होगा तो यहाँ से आप लोग को बढ़ा लेना होगा। तो यहाँ से 50-51 करके यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। सो दोस्तों, डन करने बाद फिर से आप लोग को आ जाना होगा, यहाँ पर टूल्स वाला आइकन होगा, फिर से आप लोग को चले जाना होगा यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे एंड सेचुरेशन पे क्लिक करके इसका अमाउंट 100 माइनस ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन होगा एंड बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना होगा। सो दोस्तों, बैकग्राउंड जैसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं इरेजर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे एंड जो भी आप लोग के हेयर में इफेक्ट आया होगा उसको आप लोग को रिमूव करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों, जैसे आप लोग डन करते हैं फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड इनहेंस वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, अमाउंट को जीरो कर देंगे, सेचुरेशन वाले ऑप्शन पे आकर के इसको भी जीरो कर देंगे एंड ऊपर आप लोग को मिल जाएगा इरेजर वाला ऑप्शन, ठीक है ना जी। इरेजर वाला ऑप्शन पे आकर के एंड यहाँ से इरेज पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से जो भी आप लोग के फेस के ऊपर रेड टोन आया होगा, यानी मतलब कि सेचुरेशन आया होगा, उसको आप लोग को इरेज कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ एंड आप लोग को भी इरेज कर लेना होगा। सो दोस्तों, इरेज करने बाद सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। एंड दोस्तों, डन करना फिर से अब आप लोग को क्या करना होगा, टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा, एडजस्ट पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को कंट्रास्ट मिल जाएगा। तो कंट्रास्ट को क्या कीजिएगा, आप लोग 100+ करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों, डन करना सिंपली अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों, इतना करने में सिंपली इस फोटो को आप लोग को सेव कर लेना होगा गैलरी में। ओके, हाँ, तो जान फोटो सेव करने बाद सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा नीचे पेंसिल वाला आइकन, ठीक है ना जी। तो हम लोग का फोटो फुल एचडी हाई क्वालिटी है तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोग को एचडीआर स्केप यूज करना है। एचडीआर स्केप पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे हम लोग एंड फिल्टर स्टैंड, ठीक है ना जी। फिल्टर स्टैंड को मैक्सिमम आप लोग को 22 रखना होगा एंड ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेना होगा। तो यहाँ से हम मैक्सिमम 3+ एंड सेचुरेशन, ठीक है ना, सेचुरेशन को यहाँ से आप लोग को माइनस में कर देना होगा। तो 34 माइनस करके यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। सो दोस्तों, डन करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे सेलेक्टिव होगा, सेलेक्टिव पे क्लिक करके एंड गाल के बगल में यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस को अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे ब्लैक होगा वहाँ वहाँ पे सिर्फ आप लोग को ब्राइटनेस को अप्लाई कर लेना है। सो दोस्तों, इतना करने के बाद इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर।
हाँ तो जान वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अब यहाँ से जो टेलर है ना मेरी जान, टेलर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं कैसे आप लोग क्वालिटी में एडिटिंग करेंगे, ठीक है ना। अभी तो जितना मैं एडिटिंग सिखाया मैं आप लोग को बताया क्वालिटी कैसे डालेंगे फोटो में, ओके जान। तो यहाँ से आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। ब्लिच को हल्का सा बढ़ा लेंगे तो मैक्सिमम 54 प्लस, व्हाइट्स को भी बढ़ा लेंगे 37, मैक्सिमम 38 कर लीजिएगा। शेडो को हल्का सा बढ़ा लेंगे तो यहाँ से 33 प्लस। फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, मिक्स पे क्लिक करके येलो टोन पे क्लिक करके सेचुरेशन को 100 माइनस, ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसका भी सेचुरेशन 100 माइनस। सो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लिमनेस आप लोगों को बढ़ा लेना होगा एंड सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देना होगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग सेचुरेशन को माइनस में करेंगे तो आप लोग का फेस देख लीजिए कैसा हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं ठीक करके दिखाऊंगा आप लोग के सामने। वीडियो को कहीं पे भी आप लोग को मिस नहीं करना होगा। सिंपली आप लोग इसोलेशन पे आकर के लिमनेस को बढ़ा लीजिएगा एंड इसका ह्यू को आप लोग कुछ इस तरीके से हल्का सा माइनस प्लस करके आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। फिर से आप लोग इसोलेशन पे आ जाइएगा एंड नोवाइजेशन को 100 प्लस, डिटेल्स को भी 100 प्लस, कंट्रास्ट को भी 100 प्लस, कलर नोवाइजेशन को भी 100 प्लस, डिटेल्स को भी एंड स्मूथनेस को भी 100 प्लस करके इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हल्का सा वहाँ पे हम लोग एक स्टेप यूज करेंगे। वीडियो को कहीं पे भी आप लोग मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे आर्टिस्ट भाई आपके जैसा मैं फेस स्मूथ कब सीखूंगा, ठीक है ना जान। तो मैं आप लोग को रियल एडिटिंग सिखाऊंगा। यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है एंड सिंपली आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा, हीलिंग पे क्लिक कर देना होगा। फोटो को जूम करके जो भी आप लोग के फेस के ऊपर पिंपल्स होगा वहाँ वहाँ पे आप लोग को अप्लाई करके यहाँ से डन कर लेना होगा। फिर से इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्स आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों यहाँ से मैं फटाफट शेयर कर लिया, इफेक्टिव ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोग कलर ऑप्शन पे आ करके कलराइज पे क्लिक करके इरेजर ऑप्शन पे आ करके बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना होगा। सो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन करके फिल्टर, ठीक है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ करके कलर, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग ग्रीन आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। जो मैं थंबनेल में दिखाया था सेम उसी तरीके से मैं आप लोग को एडिटिंग का राज बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग रिस्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे फिंगर के ऊपर आ चुका है तो यहाँ से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा, ओके जा। तो एक बार मैं फिर से अप्लाई करके देखता हूँ कि हमारे फिंगर के ऊपर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए फिंगर के ऊपर शो अप कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ से आप लोग इरेज भी कर सकते हैं, ओके जा। तो यहाँ से इतना करने में सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। मैं ग्रीन बैकग्राउंड नहीं रखा, आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ से फोटो को सेव करके एंड इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा, पता है कहाँ पे यार मेरी जान, ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं फटाफट शेयर कर लेता हूँ, आप लोग को भी शेयर कर लेना होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है एंड हम लोग शेयर कर चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा एंड यही ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है भाई, फेस को कैसे हम स्मूथ करें आर्टिस्ट भाई आप बताओ जल्दी से। तो यहाँ से पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ब्रश, बहुत सारा सेटिंग मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग को इस ब्रश को यूज करना है, सेटिंग आप लोग देख लीजिए, फालो को 43 रखिएगा, स्टेन को आप लोग को 37 एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करके एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लैक है, हल्का सा ब्लैक है। तो सबसे पहले मैं इसको गायब करके आप लोग के सामने दिखाता हूँ एंड स्मूथ करके दिखाता हूँ। आप लोग के सामने जो भी काम करते हैं मेरी जान ना रियल काम करते हैं, ठीक है ना जी। मैं आप लोग को सब्सक्राइबर नहीं मानता हूँ, बड़ा भाई भगवान बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना औसम तरीके से बहुत ही कम टाइम में मैं अपने फेस को स्मूथ करके दिखा दिया एंड बहुत ज़्यादा आप लोग का कमेंट आ रहा है आर्टिस्ट भाई कोई स्पेशल वीडियो लेकर के आओ फेस स्मूथ रिलेटेड जिसमें हम वीडियो आपका देख के पूरा अच्छे तरीके से आपके जैसा फुल एचडी हाई क्वालिटी फेस को बनाना सीख जाए। तो जैसा ये वीडियो खत्म हो जाएगा ऊपर 4 वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग फेस स्मूथ के बारे में उन चारों वीडियो में आप लोग बताया हूँ। अगर वो भी वीडियो समझ में नहीं आता है तो स्पेशल आप लोग के लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेकर के आ जाएंगे यूट्यूब चैनल पर वीडियो जिसमें आप लोग 1 क्लिक में फेस स्मूथ का मास्टर बन जाएंगे। तो आशा करते हैं मेरे जान वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड वीडियो को शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।